जय हिंद गाइस एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। सो आज हमारा जो टॉपिक होगा बिल्कुल ही एक अलग तरह का टॉपिक होगा, ठीक है। सो आराम से हमारे साथ बने रहिए और हमारे हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ जिंदगी से अलग चीज। चलो जी, तो अब तक हम लोगों ने टेंस के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने टेंस के कवर किए हैं वो क्या है, अब तक हमारे इंग्लिश बोलने के लिए वो 60-70% क्या है, वो काफी है, ठीक है। इन द सेंस डायरेक्टली व्हाट आई वांट टू से कि अब हम लोग इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए एलिजिबल हैं, है ना, एलिजिबल है। जैसे कि 18 साल से ज्यादा वाले आयु के जो एज होता है जिनका, वो क्या होते हैं, वोट देने के लिए योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं। सो हम लोग क्या है बेटा, हम लोग अभी इंग्लिश में बात करने के लिए एलिजिबल है, मीन्स हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने सीख लिया कि माई सेल्फ कैसे बोलना है, हमारे बारे कैसे बोलना है। हम लोगों ने और भी चीज सीख लिया है, जैसे डेली रूटीन कोई पूछे तो वो कैसे बोलना है। और ये सारी चीजें आपको ना ये जो वीडियो है ना, इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो का तो अलग बात है, आपको ना वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी झोली मिल जाएगी, झोला मिल जाएगा ना। आप वहां जाओ और आराम से क्या करो बच्चे, आराम से आप देख लो, ठीक है। चलो, और उससे पहले ये बता दूं कि जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो पहली बार देख रहे हैं। और उसके सामने जो ऐसे करके गोल सा होगा, घंटा जैसा होगा, उस घंटे को टपटपा के मार दो, खत्म। और इससे क्या होगा कि आपको जितने भी वीडियोस वगैरह हमारे होंगे, जितने भी लाइव क्लासेस होंगे, सारे किसी की ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगी ठम ठम करके, और आप उसको आराम से देख सकते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अच्छा, एक बात सुनो डायरेक्टली। अच्छा, उससे पहले एक और बता दूं, इधर नंबर है अपना, कोई दिक्कत है, कुछ जानने वगैरह है अपने हमारे से, क्या है इंग्लिश कन्वर्सेशन जो क्लासेस है वो लेने हैं, जो भी है आपके पास जो भी डाउट वगैरह होगा, आप इस पे क्या कर सकते हो बच्चा, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलो आते हैं क्लास पे। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हम लोग को सेंटेंस में ये बोलना है कि मैं अपने या फिर मेरे पापा बाजार जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, सेंटेंस सुनना मेरा, क्या लिखा मैंने बच्चे, मैंने लिखा मेरे पापा बाजार जा रहे हैं। मैं यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेशन करने नहीं बतला रहा हूं, ठीक है, हम लोग कुछ और सीख रहे हैं, बस ध्यान से देखते जाओ। मेरे पापा बाजार जा रहे हैं, सो आप यहां पर क्या लिख दोगे, प्यार से आप क्या लिख दोगे, माय फादर इज लिखोगे, और इज क्यों लिखोगे वो मैंने बताया हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में कंटिन्यू को कोई चीज कंटिन्यू होने का बात कर रहा है, ऊपर से प्रेजेंट में है, सो क्या लग जाता है, इज, माय फादर इज गोइंग टू मार्केट, दैट्स ऑल, ये हो गया। अब इसकी जगह हम लोग कुछ और लिख दे कि तुम्हारे पापा बाजार जा रहे हैं, तब आप क्या करोगे, अगर इसी जगह में एक और सेंटेंस लिख दूं और वो सेंटेंस क्या होगा कि तुम्हारे पापा बाजार जा रहे हैं, सो आप क्या करोगे वहां पे, योर लिख दोगे, योर फादर, ठीक है, योर फादर आप कर दोगे। अगर रहे कि हमारे पप्पा बाजार जा रहे हैं, मीन्स मेरे पप्पा, हमारे पप्पा, मीन्स हम लोग दो भाई हैं, तीन भाई हो, हमारे पप्पा बाजार जा रहे हैं, आप क्या करोगे, आवर, इसको आवर नहीं आर पढ़ते हैं, आर फादर, आर फादर। और इसी तरह तुम्हारे पापा, उसके पापा को आप क्या लिखोगे बच्चे, उसके पापा, अगर कोई लड़का हो सो उसके का इंग्लिश होता है हिज फादर, अगर कोई लड़की हो सो आप क्या करते हो, हर फादर, हर फादर। अच्छा, अगर मैं इसी जगह एक और बात बोल दूं कि मैं अगर किसी का नाम बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि राम के पापा, तो आप क्या करोगे, इसी जगह में अगर मैं ये लिख दूं, राम के पापा बाजार जा रहे हैं, अब आप क्या करोगे बताओ, अब आप क्या करोगे, इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फंस जाते हैं, इंग्लिश बोलना चालू तो कर दिए हैं पर कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्यार से बहुत इज्जत से हम लोग फंस जाएंगे, है ना। अब देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे करते हैं, ये वाले हमें पता है क्योंकि इसका डायरेक्टली मीनिंग आ जा रहा है, मेरे पापा यहाँ पर आप माय कर दिए। चलो इसको रिमूव करते हैं और डायरेक्टली जो टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। चलो, अच्छा,
अब एक सुनना बात, ध्यान से सुनो, बहुत इजी से टॉपिक है, हम लोग आराम से धीरे धीरे करके क्या करेंगे बच्चे, सीख जाएंगे। अब सुनो, मैं राम के पापा बाजार जा रहे हैं, इस बाजार जा रहे हैं यहाँ को, यहाँ तक हम लोग कैंसिल कर देते हैं, राम के पापा में आते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, इसको दो तरीके से बनता है। नॉर्मल ये जो के का की होता है ना, का के की, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है ऑफ। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, ये होता है। पर हम लोग ना इसको दो तरीके से इसका इंग्लिश कर सकते हैं, एक में हम लोग का के की इसका जो इंग्लिश है ऑफ को यूज करके कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से बिना यूज किए भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो आप ध्यान से देखो। सो लिखा क्या हमारा है, हमारा लिखा है राम के पापा। चलो राम के जगह में ना राम लिख देते हैं, राम, और पप्पा के जगह में पप्पा भी लिख देते हैं। तो ये तो सर आप लोग, ये तो सर आपने नया क्या किया, तो आपने जो लिखा वो लिख दिया। नहीं बच्चे, इसमें मैं कुछ नया करूंगा, आप देखो ध्यान से, ये दो तरीका हमारा कैसे होगा वो देखो। सो इसमें बिना ऑफ का यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है राम, लिखा है यहाँ पर पप्पा लिखा है। अब हमें राम का, राम के, राम की, उसको जोड़ना है ना। सो कुछ भी नहीं करना है, एक हम लोग कोमा सीखते हैं जो नीचे होता है, और एक और कोमा सीखते हैं जो ऊपर लगता है। यहाँ पर हम लोग एक कोमा लगा देंगे, जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोपी, जिसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोपी। यहाँ एक कोमा लगा देंगे ऊपर में, और उसके नीचे लगा देंगे एस। ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सिर्फ राम लिख दिए, राम पापा पहले लिख दिए, उसके बाद क्या किया, एक एपोस्ट्रोपी करके लगा दिए, इसको ऊपर में कोमा होता है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो उस तरह से सीख लेंगे, और लास्ट में एस लगा दिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस राम पप्पा, इसका मतलब क्या हो गया, राम के पापा। देखो ये बन गया, कोई दिक्कत लगा, कुछ भी दिक्कत लगा नहीं। अब हम लोग, आप बोलोगे सर ये तो बिना ऑफ के लगाए का आप बनाया, अब आप एक ऑफ लगा के मुझे बना के दिखाओ। चलो हम लोग उसका बनाते हैं। चलो अब एक इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा उठपटांग इंग्लिश का यूज करना होगा, हमें क्या करना होगा, उठपटांग, उल्टा पुल्टा काम करना होगा। करते हैं प्यार से, उल्टा पुल्टा काम भी बहुत अच्छा होता है। देखो कैसे करेंगे, सेम चीज, यहाँ पर राम लिखा हुआ है, यहाँ पे पापा लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ, ये हो गया राम, ये हो गया पापा। अब इसको ना इंग्लिश में बनाने के लिए थोड़ा सा उल्टा करना होता है, अगर ऑफ लिखना है तो राम के पापा, इसको थोड़ा सा उल्टा करना होगा। पहले इसको पापा का इंग्लिश लिख देंगे, क्या हो जाएगा, फादर, फादर, और उसके बाद हम लोग किसका इंग्लिश लिखेंगे, इधर से उल्टा करके राम, राम, हम लोग क्या लिख दिए, फादर लिख दिए, यहाँ पर फादर लिख दिए, और थोड़े दूर में क्या कर दिए, राम, ठीक है, थोड़े दूर में क्या कर दिए हम लोग, राम लिख दिए। अब जब ऑफ का यूज करना है ना, सो ऑफ कहाँ पे है, ध्यान से देखेगा, बीच में है, बीच में है ना के, सो बीच में हम लोग ऑफ भी लगा देंगे, पर एक चीज नया कर देते हैं इसमें, और वो नया चीज क्या होता है, सबसे जो पहला है, सबसे पहले हम लोग यूज कर देते हैं टी एच ई द। अब हमारा क्या बन गया, द फादर ऑफ राम। चलो मैं रिपीट करता हूं, फिर हम लोग बहुत इज्जत से धीरे धीरे करके सीखेंगे, ताकि दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। अब देखना एक और भाई, हम लोग रिपीट करते हैं, हमारा क्या था सबसे पहले कि राम के पापा, सबसे पहले एक तरीके हम लोग क्या सीखे थे, जिसमें बिना ऑफ लगाए करते थे, वो कैसा था, इधर राम लिख दिए जो लिखा है, उसके नीचे पापा लिखा है, पापा लिख दिए, ठीक है बच्चा, और उसके बाद जो एक एपोस्ट्रोफी लगा दिए, फिर एस लिख दिए, सो बन क्या गया हमारा, राम के पापा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक उल्टा पुल्टा करके हम लोग लिख दिए, राम को उधर लिख दिए, पापा को इधर लिख दिए, राम को उधर लिख दिए और पापा को इधर लिख दिए, और क्या किए, बीच में ऑफ लगा दिए, ऑफ से लगा दिए, वो सही है। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, सबसे आगे क्या लगा दिए, द लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, चलो चलो। सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर करके देख लेंगे। आपको जो वाला भी इजी लगे आप क्या करोगे, उसको अपने अपने जो डेली लाइफ है, डेली सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे, ठीक है बच्चा। चलो क्या लिखा हुआ है हमारा, सुरेश का भाई। सो सबसे पहले हम लोग एस लगा के यूज करके देखते हैं, देखो कैसा होगा, सुरेश को सुरेश लिख दिए, सुरेश लिख दिए, और भाई को ब्रदर लिख दिए। पर ध्यान देखना एक चीज, और वो ध्यान क्या देना, कि इधर एपोस्ट्रोफी लगा के करेंगे तो सुरेश हो गया, सुरेश हो गया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ब्रदर। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे वो देख लो, और दूसरे तरीके से हमने क्या सीखा था, उल्टा पुल्टा करके। सो भाई लिखा हुआ पीछे में, इसको पीछे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं,
इसको पीछे लिख दिए, उसके बाद सुरेश आगे लिखा हुआ है, सुरेश को क्या कर देंगे इधर लिख देंगे, जो पीछे लिखा हो उसको आगे कर देंगे, जो आगे लिखा है उसको पीछे कर देंगे। अब बीच में लिखा है का, और का इंग्लिश नॉर्मल में क्या होता है ऑफ, और मैंने क्या बोला था सबसे पहले आपको आंख बंद करके क्या यूज करना है द का यूज करना है। सो आप क्या यूज कर दोगे द का यूज कर दोगे। सो हमारा क्या बन गया द ब्रदर ऑफ सुरेश, ठीक है दोनों तरीके से, ठीक है चलो। पर मैं मानता हूं पर्सनली इफ यू से, सो मैं क्या बोलूंगा कि जो इधर वाला होता है एपोस्ट्रोफी एस लगा के वो बहुत इजी होता है। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलेंगे राम का भाई सो राम्स ब्रदर, श्याम का भाई श्याम्स ब्रदर, इस तरह से सिर्फ एपोस्ट्रोफी और एस लगा के आप क्या कर सकते हो इसको यूज कर सकते हो। चलो अगला कमल के चाचा, सो एक में हम लोग क्या करेंगे बिना सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करके करते हैं। सो क्या कर दिया मैंने कमल, कमल कर दिया, और हमने सिखा था एपोस्ट्रोफी एस लगा देने, कमल हो गया अंकल, अंकल कर दिया। और दूसरे तरीके में हम लोग क्या सीखे थे उल्टा पुल्टा करने। सो लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं द लिखते हैं, सो क्या लिख देंगे द, फिर क्या लिखते हैं जो पीछे लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ अंकल, अंकल। और बीच में हमने क्या सीखा था ऑफ का यूज करना सीखा था, ऑफ कर देंगे। और किसका अंकल का बात किया हुआ है कमल का अंकल, सो क्या लिख देंगे कमल। बोलो कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं रानी की माँ। चलो एक में एपोस्ट्रोफी लगा के करते हैं, क्या बन गया रानी, रानी बन गया एपोस्ट्रोफी एस, रानीस माँ कर देते हैं चलेगा। दूसरा मैंने क्या लिखा है रानी की माँ को एपोस्ट्रोफी एस तो लगा के बनवा दिए, अब ऑफ लगा के बनाएंगे क्या करना होगा, सेकेंड में जो लिखा है पहले माँ लिख देंगे, फिर उल्टा करके रानी लिख देंगे। और हमने क्या सीखा था की, इसका इंग्लिश क्या होता है ऑफ, और सबसे पहले आंख बंद करके द, बस ये बन गया। अब हमारा लास्ट एग्जांपल जो है मेरे पापा के दोस्त, देखो क्या लिखना है मेरे पापा के दोस्त, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है मेरे पापा, सो क्या हो जाएगा माय फादर, माय फादर। अब दोस्त लिखना है सो एपोस्ट्रोफी करके एस कर देंगे, फ्रेंड कर देंगे, फ्रेंड कर देंगे। दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे चलो उल्टा करके लिखते हैं, पहले लिखते हैं फ्रेंड, फ्रेंड इधर बीच में ऑफ, और इधर लिखेंगे माय पापा, और आगे क्या लिख देंगे द। ये हमारे क्या हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। So, अब तक हम लोगों ने क्या किया था वो ऐसा चीज किए थे जो सजीव वाले बात हो रहे थे, लिविंग थिंग्स के बात हो रहे थे, राम का श्याम का मतलब इसके पापा का जो भी आप समझो, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या सीखेंगे कुछ निर्जीव वाले, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे करेंगे वो देख लेंगे। देखो चीज वही है, चीज वही है, तरीका वही होता है, ठीक है कुछ नहीं। चलो इसमें आते हैं डायरेक्टली सीमेंट का घर। सो सबसे पहले हम लोग कर देंगे सीमेंट, सीमेंट कर देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, घर को क्या कर देंगे होम। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से सीखा था उल्टा पुल्टा करने, सो पहले क्या कर देंगे होम, और बीच में लगा देंगे ऑफ, फिर उसके बाद जो पीछे वाला है सबसे पहले जो लिखा है सीमेंट। और एक चीज सीखा था कि सबसे आगे क्या लगाना है द, ठीक है। दूसरा आज का मौसम, आज का मौसम क्या करेंगे, आज को इंग्लिश में कहते हैं टुडे, टुडे, और एपोस्ट्रोफी करके एस लगा देंगे, मौसम को कहते हैं वेदर, वेदर। और यहां पर आप इसको अपने से लिखोगे। चलो लकड़ी का टेबल, देखो ये इजी यही वाला होता है, ऊपर वाला ना बहुत इजी होता है। लकड़ी का टेबल क्या हो जाएगा वुड, वुड एपोस्ट्रोफी एस, टेबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेबल। कपड़े का बैग क्या करोगे क्लॉथ, क्लोथ कर दोगे, और क्लोथ में किसी किसी जगह में क्या लगता है ई एस भी लग जाता है, ठीक है किसी किसी जगह में ई एस भी लग जाता है। सो क्लोथ्स क्या हो गया क्लोथ्स बैग, बैग हो गया। देखो कोई दिक्कत लगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे कुछ हो गया। पर ध्यान रहे अगर जब भी जितने भी नॉन लिविंग थिंग वाले बात होंगे ना उसमें अगर आप ऑफ वाला यूज करके बनाओगे तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है, पर नहीं समझ आता नहीं याद आता तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये दोनों में से जैसे भी याद आता है आप क्या करोगे वही वाला बनाओगे। अब हम लोग किसमें बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़े से होमवर्क कर लेंगे फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे कुछ होमवर्क है। उससे पहले बता दूं राम के पापा खा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले राम्स फादर कर देंगे, ये एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फिर बाद में जो लिखना है आप लिख डालोगे,
ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। श्याम का घर, मेरे पापा के भाई, राजू के दोस्त, राहुल के भाई, लकड़ी का पलंग, लोहे का पंखा, पापा के साला, मेरी माँ का भाई और राज के ससुर। सो इनको आपको क्या करना है, होमवर्क पे बनाना है। सो ये था आपका क्लास, ठीक है। चलो आज के क्लास को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे यहीं पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।